वेल सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 28 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पर कोई डे नहीं है जो डिस्कस करेंगे आज हम लोग, कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। न्यूज को थोड़ा अच्छे से आप लोगों को सुनना है ताकि जो भी क्वेश्चन वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएं। बाकी वीडियो के एंड में हम लोग रिविजन भी करेंगे जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। अच्छे से आप लोग रिविजन कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में उसको याद रख सकें। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उनके द्वारा यहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। विजिलेंस होता है एक तरीके से, जो विजिलेंस कमिश्नर आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब होता है सतर्कता आयोग, ठीक है। तो यहां पर विजिलेंट इंडिया का बात की जा रही है, तो इसका मतलब सतर्क इंडिया और प्रोस्परस इंडिया, यानी कि एक तरीके से भली भांति फलती फूलती इंडिया और सतर्क इंडिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये इस बार की थीम है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस और एंटी करप्शन जो है वो यहां पर अभी इनॉग्रेट की गई है। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो विजिलेंट इंडिया और प्रोस्परस इंडिया है, यानी कि सतर्क इंडिया और एक तरीके से प्रोस्परस जो भारत है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये किसकी थीम है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंट और एंटी करप्शन की जो अब की बार ये कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली यहां पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसके लिए होता है? बेसिकली कि हमारी कंट्री में इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो यहां पर बात की जा रही है सतर्क भारत और यहां पर समृद्ध भारत, यानी कि विजिलेंट इंडिया और प्रोस्परस इंडिया। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक वीक है, 27 अक्टूबर से लेकर ये 2 नवंबर तक आप लोगों को देखने को अब की बार मिलेगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यहां पर जानते हैं। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है जिसको सीवीसी आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 1964 में इसको क्रिएट किया गया था। जो कमेटी थी जिसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी वो था के संथानन कमेटी, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा, यहां पर ये कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन के द्वारा यहां पर ये बॉडी बनाई गई थी जो कि एक एंटी करप्शन बॉडी है हमारी कंट्री में। तो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन यानी कि करप्शन को रोकने का काम करेगी हमारी कंट्री में। तो इसके चलते 2003 में कंफर्म किया गया इसको स्टैचूटरी स्टेटस, यानी कि बनाई गई 1964 में यहां पर ये एक तरीके से इस कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा, पर लेकिन स्टैचूटरी स्टेटस यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो यहां पर पास किया गया जब यहां पर बिल और उसको एक्ट बनाया गया, तो फिर इसको स्टैचूट यानी कि एक तरीके से स्टैचूट स्टेटस यहां पर दिया गया, ठीक है। अगर बात करें यहां पर नितूर श्रीनिवास राव, ये यहां पर सेलेक्टेड फर्स्ट जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे हमारी कंट्री के, और फिर इसके बाद में जो चीजें हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। आज की डेट में प्रेजेंट सीवीसी हमारी कंट्री में कौन है, क्या है भी या फिर पोस्ट खाली है, तो इसके बारे में जाकर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करें यहां पर तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है यहां पर इसके एक चेयरमैन होते हैं, और टोटल मिलाकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नोट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि ये एक 3 मेंबर की बॉडी है जो कि आप लोगों के सामने यहां पर बीस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहां पर आप लोगों को जो इसके जो बेसिकली जो मेंबर वगैरह हैं, अगर इसके आप लोगों को अपॉइंट करने हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो विजिलेंस कमिश्नर अगर आप लोगों को अपॉइंट करने हैं, तो एक अपॉइंट करने वाली यहां पर कमेटी होती है जो कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है, तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। ये 3 मेंबर यहां पर चुनते हैं सीवीसी को और वो आगे चलकर फिर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर यहां पर लगता है कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं आगे चलकर, तो मिसबिहेव के और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है, पर लेकिन रेफरेंस जो रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है देखेंगे कि क्या रियलिटी में इनके द्वारा मिसबिहेव किया गया है, तो उसके बेस पर फिर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है जिसको आप लोग सीवीसी बोलते हैं। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रखेगा, और बाकी जो ये मैंने अभी आप लोगों को थीम बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर विजिलेंट इंडिया प्रोस्परस इंडिया, यानी कि एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है सतर्क भारत इसी के साथ में समृद्ध भारत। एक और इंपॉर्टेंट जो बात आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा, या तो 4 साल या फिर 65 साल, यानी कि जो भी पहले हो जाए वो इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑफिस में जो टर्म है ये उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक कंप्लीट जो एक इंडिपेंडेंट स्कीम यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी ताकि हमारी कंट्री में जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सके कोविड 19 के चलते,
तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसको सेवा निधि स्कीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये हमारी कंट्री में अप्रूव की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके कंट्री में और फिर से हमारी कंट्री जो है एक सही प्रोग्रेस पाथ पर चल सके। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसके द्वारा फर्स्ट रैंक प्राप्त की गई है, क्योंकि इसके द्वारा यहां पर 7 सिटी जो स्टेट के अंदर वो पाई गई है, उनमें से जो टॉप सिटी में से 7 सिटी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ टॉप आप लोगों को नजर आएगा, जिसके चलते यहां पर इलाहाबाद, गोरखपुर और गाजियाबाद और कानपुर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ चढ़कर इस स्कीम में भाग लिया इनके द्वारा। स्कीम जो थी ये 1 जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर जो भी यहां पर जो रेडी ठेले वाले रहते हैं, जो एक तरीके से वो अपना लाइवलीहुड एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके, क्योंकि अगर कोई गलियों में अपना सामान बेचकर पैसे कमाता है, और आप लोगों ने खासकर गांव वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर देखा होगा, या फिर सिटीज वाले एरिया में भी ये सड़कों पर आप लोगों ने देखा होगा सब्जियां वगैरह बेचते हुए, कई बार फल फ्रूट्स बेचते हुए लोग पाए जाते हैं, तो इसके चलते इनकी जो रोजी रोटी थी वो कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई। तो इनकी हेल्प करने के लिए यहां पर ये हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम स्टार्ट की गई थी उसमें हमारी कंट्री में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे टॉप पर यहां पर रहा। एम जो है बेसिकली वर्किंग कैपिटल लोन अप टू द 10,000, तो यहां पर सब्सिडाइज रेट पर यहां पर इनको प्रोवाइड कराया गया ताकि अपनी जिंदगी जो है ये आसानी से जी सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर डायरेक्ट स्कीम का नाम देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है ये स्कीम, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक दवाई का नाम काफी सुना होगा, जिसके बारे में यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी काफी एक तरीके से इसको लेने के लिए अग्रसर थे इंडिया के लिए। हाइड्रो ये यहां पर जो बेसिकली जो दवाई है कोविड-19 के लिए थी, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये जो दवाई थी जो कि हमारी कंट्री में बेसिकली ये बनाई जाती है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर इस दवाई के लिए एक तरीके से हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला गया। अब एक ऐसी दवाई सामने निकल कर आई है जिसका नाम है यहां पर तोशिलिज़ुमैब, ठीक है, तो ये जो दवाई है यहां पर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद यहां पर ये दवाई है जो कि काफी लार्ज स्केल पर यूज की जा रही है यहां पर कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, जब तक कि इसकी जो एफिकेसी है यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है चीजों को ठीक करने की उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, तब तक ये चीजें चलती रहती हैं और ये सेकंड ड्रग है अपने ही तरीके की। तो ये जो दवाई रहती है यहां पर बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है उसको सही करने का काम करेगी ताकि हमारी बॉडी में जो सही चीजें हैं वो प्रॉपर पैटर्न में आ सके। ये जो दवाई यहां पर ये अटिमेरा जो स्विस फार्मा कंपनी है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली ये दवाई है, और ये जो है बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं जब तक कोई दवाई नहीं आ जाती है तब तक यहां पर ऑल्टरनेटिव यूज किए जाते हैं। तो ये जो दवाई है ये सीवियर लंग इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है कोविड-19 पेशेंट्स में, और लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड यहां पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से बोला जाए कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो बस प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, बाकी मेंस की तैयारी अगले साल करेंगे, तो फंडा क्या हो गया कि आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, ठीक है, आगे चलकर जब आप लोगों का मेंस हुआ तो उसको इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा डिटेल में कि मेंस भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि तैयारी तो ये दवाई तो थी प्रीलिम्स के लिए पर मेंस भी उसके लिए क्लियर हो गया, तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको भी पढ़ो इतने डिटेल में पढ़ो ताकि आगे भी उसका यूज आप लोग कर सकें। तो ये जो दवाई है ये उसी तरीके से है कि किसी और चीज के लिए, पर लेकिन आज कोविड-19 के लिए यूज हो रही है क्योंकि वो भी एक उसी तरीके से रिलेटेड एक बीमारी है, लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यानी कि HEI जो है वो यहां पर इसको पब्लिश करता है, और यहां पर इसके हिसाब से अगर चलें इंडिया यानी कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट एक्सपोजर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 का। अगर बात करें यहां पर अभी रिसेंटली जो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा बोला गया था कि यूके के अंदर जो जैसे जैसे सर्दियां आती हैं या फिर कोविड-19 के चलते लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं अगर यूके को आप लोग मैप में देखेगा तो यूके जो है वो आप लोगों को एक काफी ठंडा इलाका नजर आएगा, जैसे यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है, तो काफी ठंड यूके में देखने को मिलती है, तो जिसके चलते अगर कोई घरों में रहकर काम करता है तो यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को नजर आएगी, जैसे कि बॉयलर वगैरह चला रहा है घर में, ठीक है, हीटर रूम हीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो हीटिंग पर्पज के लिए यहां पर ये सारी चीजें एक्टिविटी यूज की जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन है ये यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है यूके में सर्दियों के टाइम पर। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जिसको सोगा के नाम से भी जानते हैं यहां पर SOGA, ठीक है, तो यह है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर,
तो यहाँ पर 2020 जो है उसके द्वारा बोला गया है कि इंडिया में जो ये पोल्यूशन है ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं और इंडिया भी एक लीडिंग कंट्री है अगर इस पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं। और लास्ट एक दशक में ये जो इस तरह का एक्सपोजर है इंडिया में ये 70% के करीब यहां पर इंक्रीज हो गया है, यानी कि 17% ये जो है ये बढ़ गया है, जो कि हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, यानी कि जो बचपन में ही बच्चे होते हैं उनकी जान चली जाती है, और हमारी कंट्री में ये हाईएस्ट रिस्क है इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से, जो एयर पोल्यूशन की वजह से बोला जा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में जो अगर आप लोग देखेगा 1,16,000 के करीब जो इन्फेंट है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये काफी इंपोर्टेंट है कि इस चीज को हम लोग लेकर चलें। और टोटल जो लोगों की जान जाती है वो है 1.67 मिलियन, तो यहां पर मिलियन है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यानी कि 16 लाख में से अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1 लाख के समथिंग जो बच्चों की जान चली जाती है इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट के द्वारा हालांकि कई सारे स्टेप उठाए गए हैं जिसमें से उज्ज्वला योजना भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो उज्ज्वला जो योजना थी उसका बेसिक पर्पज ये था कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है उनको रोका जा सके और इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाँ उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा, जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह यहां पर बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर जो गरीब परिवार है उनको गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना था, जिसमें दो कंट्री, एक का नाम था यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, ये इसराइल के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको नॉर्मल करने की बात की गई, यानी कि इनकी एम्बेसी जो है वो इसराइल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से यहां पर जो रिलेशन है उनके नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। एक और कंट्री इसमें ऐड हो गई है यहां पर जिसका नाम है सूडान। सूडान के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को दूं, सूडान और साउथ सूडान ये एक कंट्री हुआ करती थी 2011 तक, पर लेकिन 2011 में यहां पर एक नई कंट्री बन गई साउथ सूडान, सूडान में से अलग होकर। तो ये जो सूडान है इसके द्वारा जिसकी कैपिटल खार्तूम है अभी रिसेंटली इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करने की बात की है। तो ये क्या इतनी आसानी से हो गया? नहीं, सूडान को पहले यहां पर जो टेररिज्म जो स्पॉन्सर्ड स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था, जो टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर करते हैं, तो अब फिलहाल जो यूएसए के द्वारा उसको ईरान को जो है जो यहां सूडान को जो है उसको उस लिस्ट से हटा लिया गया है। ये जो लिस्ट है यहां पर इसमें आज की डेट में सीरिया है जिसको लिस्टेड किया गया था 1979 में, ईरान है 1984 में, और नॉर्थ कोरिया को 2017 में इस लिस्ट में डाला गया है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, तो इसलिए यहां पर इनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सूडान को रिमूव किया जाए इस पर्टिकुलर लिस्ट से, क्योंकि उसने चीजों को काफी इंप्रूव किया है। अगर इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो इसने काफी एक तरीके से तब से लेकर काफी सिचुएशन को संभाला है। तो ये कुछ बातें इसके साथ में जो आप लोग याद रखेगा। बाकी इजिप्ट हो गया, यहां पर लीबिया हो गया, चड हो गया, सीएआर इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, यहां पर सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इरिटेरा हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इसके चलते यहां पर ये कई बार न्यूज में रहता है। तो जो लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड कंट्री है यहां पर तीन है अभी फिलहाल, सीरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो कि जो डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है, खासकर जो स्पॉन्सर्ड जो एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको सपोर्ट करती है। तो फिलहाल सूडान जो है वो इससे बाहर निकल गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट यहां पर बन जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर खासकर रिसेंटली, अभी काफी आप लोगों ने सुना होगा हांगकांग में काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी से बैकग्राउंड में यहां पर ये न्यूज है। पहले आप लोग बैकग्राउंड समझ लिए फिर आप लोग न्यूज को अच्छे समझ पाएंगे। हांगकांग जो है अगर आप लोग देखिए अपनी प्यारी कंट्री इंडिया होगी, यहां पर आप लोग को हांगकांग नजर आएगा जो कि चाइना के जस्ट पास में देखने को मिलेगा। हांगकांग एक टाइम पर ऐसा था कि ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था, फिर इसको 1997 में चाइना के लिए ट्रांसफर कर दिया गया कि चाइना के अंडर में यहां पर ये रहेगा, पर लेकिन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है वो यहां पर इसका मेंटेन रखा जाएगा। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है आज के डेट में, पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी। तो वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए इनके द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया जिसको बोला गया वन कंट्री टू सिस्टम, यानी कि कंट्री तो एक ही रहेगी, चाइना ही आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन इसमें चाइना का अलग सिस्टम रहेगा और जो हांगकांग है उसका अलग सिस्टम रहेगा। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी। तो ये रूल जो थे उनको इंप्लीमेंट करने की बात की गई और वन कंट्री टू सिस्टम के बेस पर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, तो कि काफी इंपोर्टेंट यहां पर देखने को मिला। हांगकांग जो था वो रिसेंटली अभी काफी जो न्यूज में था, ये कॉन्ट्रोवर्सल एक्सट्राडिशन जो बिल था, यानी कि अगर यहां पर हांगकांग के अंदर चाइना के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो चाइना की मेन लैंड में जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो यहां पर इसके चलते हांगकांग में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले और इसमें वोटर रिवोल्यूशन जो था वो भी इसी का एक पार्ट था। हांगकांग जो है यहां पर ये अगर बेसिकली बात करें
आज के डेट में जो पोलम देखने को मिल रही है, यहाँ पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला, खासकर जो पर्ल रिवर है उसकी स्टोरी सदन चाइना में देखने को मिलती है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में काफी प्रोटेस्ट निकलकर सामने आया। तो अभी जो न्यूज है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है कि हांगकांग ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो बेसिकली पासपोर्ट है वो यहां पर ये काउंट नहीं करेंगे, उसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। आखिर ऐसा क्यों बोला इनके द्वारा, ऐसा इसलिए बोला गया कि क्योंकि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजन जो है बेसिकली इसको यहां पर एक पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जो कि ब्रिटिश का पासपोर्ट यहां पर हांगकांग में देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि यहां पर जो ब्रिटेन है उसके द्वारा अभी ब्रेग्जिट से बाहर निकलने की बात की जा रही है, तो इन्होंने हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यहां पर इसके लिए BNO वीजा यानी कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो उसका वीजा देने की बात की गई है, जो कि 31 जनवरी 2021 से यहां पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बेसिकली हांगकांग जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है HKSAR के हिसाब से यहां पर देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो पासपोर्ट है वो कॉमनली रेफर किया जाता है BNO पासपोर्ट, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट फॉर ए पर्सन विद ब्रिटिश नेशनल, यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन के अगर कोई और लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, पर चाइना इससे काफी ज्यादा नाखुश है और चाइना ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो देखते हैं आगे चीजें क्या चल पाती हैं, अभी फिलहाल यही है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जो कि आइडिया जरूर रखिएगा। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है, यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप लोगों से न्यूज पूछ ली जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर पूर्व लोकसभा सांसद और संगीतकार जिनका नाम था यहां पर महेश कोनड़िया, ठीक है, तो जो महेश कोनड़िया जी हैं उनके निधन पर इनके द्वारा दुख व्यक्त किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्सप्रेस किया है यहां पर ग्रीव की उनकी जो डिमाइस हुई, उनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली यहां पर जिनका नाम था महेश कोनड़िया, ठीक है, तो ये एक म्यूजिशियन थे और हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये रह चुके हैं। तो इसके चलते यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है ये म्यूजिशियन सिंगर फॉर्मर लोकसभा मेंबर, तो इनके बारे में याद रखिएगा, पटन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, तो 83 में रिसेंटली इनकी डेथ हुई अभी। तो ये पर्सनैलिटी जो है इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये एक म्यूजिशियन सिंगर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर हमारी कंट्री को एक तरीके से बड़ी ही गंदी कंट्री बोला पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ से, तो इसके ऊपर काफी सारा डिबेट डिस्कशन यहां पर रिसेंटली अभी देखने को मिला। ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो कि अपनी कंट्री में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं और हमारी कंट्री के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो जिसके चलते कंट्री में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते अगर देखें जो पोल्यूशन है और इसी के साथ में जो एक तरीके जो साफ सफाई है उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। अकॉर्डिंग टू ओवर वर्ल्ड इन डेटा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, इसके हिसाब से बात करें जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया है कि 7,75,000 के करीब जो लोग हैं उनकी प्रीमेच्योरली डेथ होती है पुअर सैनिटेशन की वजह से। 1.4% जो ग्लोबल डेथ है लो जो इनकम कंट्री है उसमें से लगभग 5% ऑफ डेथ यहाँ पर इसकी वजह से अकाउंट की जाती है, तो इसीलिए साफ सफाई रहना काफी ज्यादा जरूरी है। इंडिया 5th जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के हिसाब से, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान मंगोलिया और अफगानिस्तान के बाद में, तो ये चीजें हम लोग को सुधारनी पड़ेगी। हाईएस्ट एवरेज एक्सपोजर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ये वर्ल्ड में लास्ट इन इंडिया में देखने को मिला था। एयर पोल्यूशन जो है बिगेस्ट जो हेल्थ रिस्क है आज के डेट में इंडिया के अंदर में, माना जाता है कि 16.7 लोग के करीब जो लोग की डेथ हो जाती है। इंडिया में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो बेसिकली लास्ट 10 ईयर में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी जो कंडीशन है वो अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले कंपेयर में बोला जा रहा है यहाँ पर 16 से 17% के करीब यहाँ पर ये रिसेंटली अभी बढ़ गया है, ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आइडिया जरूर रखिएगा। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने विजिलेंस कमीशन उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो स्कीम है उसके बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर COVID-19 से रिलेटेड दवाई के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन किस तरीके से निकलती है जब जाते हैं यूके के अंदर अगर लोग घर से काम करते हैं, सूडान जो है वो यहाँ पर इसराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है, इसी के साथ में वीजा के बारे में हम लोग को जानने को मिला, नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज थी हांगकांग के बारे में आप लोग को देखने को मिली, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना, और नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज थी आप लोगों के सामने है जिसके बारे में आइडिया रखते हैं डेटा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने एंजॉय किया है ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट रैंक देखने को मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टिकुलेट मैटर के तहत, कौन सी स्कीम है यहाँ पर, पार्टिकुलेट मैटर बन गए यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये स्कीम कौन सी है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में बात करें हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो सेकंड दवाई है,
पहली दवाई है, सेकंड दवाई कौन सी है जो कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए अभी काफी न्यूज में थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंटी करप्शन के बारे में बात की, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में बात की गई, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। सूडान जो है वो तीसरी कंट्री बनी है, किस कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है, और रिमूव किया गया यहां पर एक लिस्ट से यहां पर सूडान को, ठीक है। तो वो कौन सी लिस्ट है, सूडान को जो डीलिस्ट किया गया यहां पर, बेसिकली यहां पर बात की जा रही है तीन और कंट्री है यहां पर, तो ये दो कंट्री है ईरान नॉर्थ कोरिया, एक कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। वेबसाइट कौन सी है यहां पर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, बेसिकली एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में जो कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका पार्ट है, जिसमें बोला गया कि प्रीमेच्योर डेथ हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो क्विज है ये आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो लास्ट डे का क्विज है, ताकि रिविजन क्विज आप लोग इसको बोल सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। बात की जा रही है वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन के जो थीम है यहाँ पर, वो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो फुल आप लोगों को थीम बतानी है। वर्ल्ड डे फॉर द ऑडियो विजुअल जो हेरिटेज है उसकी थीम आप लोगों को बतानी है। माउंट गिरनार ये यहाँ पर अभी रोपवे स्टार्ट किया गया अंबा टेम्पल के लिए, तो यहाँ पर हिंदू का टेम्पल है ये, तो कौन से दो रिलीजन के लिए बेसिकली यहाँ पर ये जाना जाता है। इसी के साथ में इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात की यहाँ पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बोला गया कि ये गलत तरीका है, पहले छोटा प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आते हैं उसको क्लियरेंस करा लेते हैं और फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में यहाँ पर अभी 16 घंटे जो पावर सप्लाई है उसकी बात की, किस स्कीम के तहत। आईटी खड़गपुर के साथ मिलकर कौन काम कर रहा है जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पर बात की थी बुमला जो यहां पर बेसिकली ये कोना सिटी, इसी के साथ में तुआंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। सबसे पहले इसकी थीम के बारे में बात करें तो बात की जा रही है यहां पर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी न्यू सॉल्यूशन टू डेवलपमेंट चैलेंज, इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैलेंज है उनका न्यू सॉल्यूशन। योर विंडो टू द वर्ल्ड ये ऑडियो विजुअल जो हेरिटेज की थीम है। इसी के साथ में माउंट गिरनार जो है यहां पर, ये यहाँ पर जो बेसिकली एक प्लेस है जिसमें हिंदू और जो जैन रिलीजन है उसके रिलेटेड जो चीजें हैं जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें, उसके द्वारा बोला गया कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया गया उस तरीके जैसा होना चाहिए था। किसान सर्वोदय योजना गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलती है। आईआईटी खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है बुमला यहाँ पर ये एक तरीके से कोना सिटी है तिब्बत यानी कि चाइना के अंदर और तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। मेरे साथ ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, लिंक सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।